तहत धीरज गुर्जर जी जुड़ गए हैं, जिनको राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। धीरज गुर्जर जी, फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं नई जिम्मेदारी के लिए। आपको और आपके सब दर्शकों को। सर, आप एक बड़ी जिम्मेदारी वर्तमान स्थिति में यूपी के अंदर निभा रहे हैं, हालांकि अगले 3-4 महीने की वो जिम्मेदारी मानकर चले कि उसके बाद पूरा फोकस आपका राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड पर रहेगा, या सही मान ले कि फोकस शिफ्ट हो रहा है? जी नहीं नहीं मैं देखिए, जो पार्टी तो मुझे काम देगा उस काम को मुझे करना है जी, और जो ये जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खास करके मेरी नेता और मेरी प्रभारी है प्रियंका गांधी जी, उनका मेरे पे बड़ा ये उपकार रहा है कि हम एक किसान मजदूर के बेटों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, और राजस्थान का जो हमारा नेतृत्व है उसका भी मैं आभार करना चाहता हूँ। और मैं खुद किसान का बेटा हूँ तो मैं प्रयास करूंगा कि जो जिम्मेदारी मिली उसके माध्यम से राजस्थान के किसानों का भला कर सकूं। सर, क्योंकि 2023 का चुनाव भी आना है, मानकर चलें कि उससे पहले इस विभाग के जरिए राजस्थान में एक धमाकेदार एंट्री वापस आपकी, यूपी में तो है ही। सब इसको मैं यही कह सकता हूँ कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ पार्टी की जी, और उसके माध्यम से जो मुझे आशीर्वाद प्रियंका गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने और सरकार ने दिया है, पूरा प्रयास करेंगे कि संगठन और के माध्यम को साथ लेकर सबकी सेवा कर सकें लोगों जी। जो असंतुष्ट होते हैं सर, वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को मेहनत का फल मिलता नहीं है, लेकिन देखिए ना, आपको तो वहां भी मिला है और वहां मेहनत की उसका फल यहां भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे उन कार्यकर्ताओं? आपने देखा होगा संतुलित लिस्ट है, सभी जाति सभी समाज सभी धर्म सभी कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए रात दिन जिन्होंने चुनाव में पिछली बार सरकार बनाने के लिए मेहनत करी थी उन्हीं को पद दिया है जी। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर एक हम मिलकर प्रयास करेंगे और 2023 में कांग्रेस को वापस सरकार में लाने का काम करेंगे जी। सर, वैसे तो आप यूपी में बिजी है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष की कुर्सी संभालने कब आएंगे, कोई शुभ मुहूर्त? तो सर अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी तो मैं यूपी चुनाव के बाद ही आ पाऊंगा, मैं कोई देखो हो पाता है। धीरज जी, शुक्रिया हमारे